हे स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। बच्चों, आज की इस वाले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 9.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसे सॉल्व करना सीखेंगे। और हमेशा की तरह जो मैंने प्रीवियस वीडियोस बनाया चैप्टर 8 का, या फिर मैं जो नेक्स्ट वीडियोस बनाऊंगा इस एक्सरसाइज का, अगली एक्सरसाइजेस का, तो उनका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि आपको कहीं से ढूंढना ना पड़े बार बार। और सिंपल एक जगह नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना, तो एक ही जगह में आपको सारे के सारे वीडियोज़ अवेलेबल हो जाएंगे। तो ये भी स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले तो समझते हैं कि ये क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर हमसे ये बोला जा रहा है कि बताइए फाइव रैशनल नंबर्स बिटवीन -1 एंड 0, -2 एंड -1। तो अब हम सोचेंगे कि -1 और 0 के बीच में तो कोई भी दूसरा नंबर नहीं आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम उसको एक्सपेंड करें, यानी कि अगर हम इसे फ्रैक्शन के फॉर्म में देखें ना, तो बहुत सारे नंबर मिल जाएंगे। एक नहीं, 5 नहीं, 50 से भी ज़्यादा नंबर मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो अब कैसे मिलेंगे, आइए मैं आपको वो समझा देता हूँ। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा रैशनल नंबर का इंट्रो ले लेते हैं, क्योंकि अभी पहले बार आप रैशनल नंबर देख रहे हो। तो रैशनल नंबर एक्चुअल में होता क्या है, आइए मैं आपको पहले तो वो समझा देता हूँ, एक बेसिक सा इंट्रो ले लेते हैं। तो देखो, जब आप मैथ पढ़ना स्टार्ट किए होगे, तब आपको सबसे पहले नेचुरल नंबर बताया गया होगा कि देखो 1, 2, 3, 4 नंबर्स होते हैं, इनको ही नेचुरल नंबर कहा जाता है, ठीक है। इसके आगे भी और नंबर बढ़ते चला जाता है। उसके बाद फिर आप थोड़े से बड़े हुए, यानी थोड़े से आगे क्लास में आए, तब आपको होल नंबर बताया गया कि एक अगर हम 0 लगा दें स्टार्टिंग में और फिर 1, 2 काउंटिंग करें 3, 4, तो फिर ये क्या हो जाएगा, हमारा होल नंबर कहलाएगा। अगर 1 से स्टार्ट हो रहा है काउंटिंग तो नेचुरल नंबर, अगर 0 से स्टार्ट हो रहा है तो होल नंबर। उसके बाद फिर आप अब क्लास 6 में आए, तो आपको इंटेजर बताया गया कि एक इंटेजर भी होता है। तो आप बोले इंटेजर क्या है, तो -2 है ना, -1, फिर उसके बाद 0, यानी कि 0 से पहले वाले नंबर, 0 से पीछे नंबर आते हैं जिनको हम इंटेजर कहते हैं, जो कि माइनस वाले होते हैं। फिर 1 आता है, फिर 2 आता है, तो इस तरीके से नंबर चलता है। तो माइनस अगर इंक्लूड हो गया तो इसको इंटेजर कहा जाएगा। अब समझो रैशनल नंबर क्या होता है, तो ऐसे नंबर जिनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखें। अब पी बाई क्यू क्या है, तो सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो पी बाई क्यू का मतलब होता है फ्रैक्शन, यानी कि ऐसे नंबर जिसको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, उन्हीं को हम लोग रैशनल नंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि देख लो 2 बाई 3 क्या है, पी बाई क्यू के फॉर्म में है ना, तो ये हमारा रैशनल नंबर हो जाएगा। 5 बाई 9, ये भी क्या हमारा एक रैशनल नंबर है। अब अगर डायरेक्ट भी अगर कोई नंबर लिखा हुआ है, जैसे मान लो लिखा हुआ है 5, तो ये भी एक रैशनल नंबर है। अब आप बोलोगे कैसे सर, अभी तो आपने बताया है कि फ्रैक्शन के फॉर्म में रहता है तब रैशनल नंबर होता है, तो ये भी तो हमारा फ्रैक्शन के फॉर्म में है। मैंने आपको क्लास 6 में बताया है और क्लास 7 के भी कई चैप्टर्स में बताया है कि अगर कोई नंबर कि होल नंबर लिखा हुआ है तो उसके नीचे में एक 1 हमेशा छुपा हुआ रहता है। तो जो अगर 5 लिखा है तो इसका मतलब वो 5 बाई 1 है, अगर 2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब उसके नीचे एक 1 छुपा हुआ है और वो 2 बाई 1 है। तो देखो, ये भी हमारा पी बाई क्यू के फॉर्म में आ गया। तो ये यानी कि जो अगर 5 भी लिखा हुआ है तो भी हमारा वो रैशनल नंबर होगा, 2 बाई 1 भी रैशनल नंबर होगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन के पास। तो ये आपने समझ गया, ठीक है, रिवाइज भी हो गया एक तरह से आपका, अच्छे से इंटेजर वगैरह आपको रिवाइज करा दिया मैंने। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन में और पता लगाते हैं कि -1 एंड 0 के बीच में कितने, मतलब कि बहुत सारे, वैसे तो रैशनल नंबर बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, लेकिन हमको क्या बताना है, केवल 5 रैशनल नंबर बताना है। तो देखो, सबसे सिंपल तरीका क्या है कि नंबर्स तो अभी हमें यहाँ पर इंटेजर के फॉर्म में दिख रहे हैं साफ साफ, हम क्या करेंगे इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। फ्रैक्शन कैसे बनाना है, ये मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि देखो 1 है, ठीक है, -1 है, तो हम क्या करेंगे कि इसका न्यूमरेटर, इसके नीचे भी एक 1 छुपा हुआ है, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। तो इसको सबसे पहले तो हम लोग ना इसी तरीके से लिखेंगे, यानी कि इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले फ्रैक्शन के फॉर्म में बनाने वाले हैं, ताकि ये फ्रैक्शन के फॉर्म में बन जाएगा तो हमको समझ में आ जाएगा कि ये हमारा खुद ही रैशनल नंबर है और इसी के बीच निकालना है हमको रैशनल नंबर। तो ये -1 है, इसका मतलब -1 बाई 1 लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, ऊपर नीचे दोनों में, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम लोग को देखो टोटल यहाँ पर कितने नंबर फाइंड करने हैं, 5 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं ना, तो हम लोग ऊपर नीचे में कम से कम आपको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ आ रहा है, कम से कम, ज़्यादा आप कितना कर सकते हो, 7 से लो, 8 से कर लो, 9 से, 10 से, 11, 12 कितनों से कर लो, लेकिन कम से कम आपको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां पर मैं ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई करता हूं, नीचे भी 6 से मल्टीप्लाई करता हूं। तो कभी भी अगर सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जब मल्टीप्लाई होता है ना, तो जो पहले वैल्यू रहता है उसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता, बस उसका आप कह लो एक तरह से चेहरा चेंज हो जाता है, प्लास्टिक सर्जरी हो जाती है उसकी। तो ये हो जाएगा हमारा 6 1 जा 6 ±-6 और नीचे में आ जाएगा 6। उसी तरीके से इधर हमारे पास एंड करके लिख लेते हैं, ये जो 0 था, 0 के नीचे एक हम लोग 1 लिख लेते हैं, ऊपर में भी यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर तो 0 6 जा 0 ही आएगा, नीचे में हमारा 6 हो जाएगा। तो -6 बाई 6, अब देखो अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूँ तो -6 बाई 6 और 0 बाई 6 के बीच में अब आपको बहुत सारे नंबर मिल जाएंगे, जैसे कि -5 बाई 6 मिल जाएगा, -4 बाई 6 मिल जाएगा, -3 बाई 6, ठीक है, -2 बाई 6 और फिर
वन बाई सिक्स। तो देखो 1, 2, 3, 4, 5 ये पांच रेशनल नंबर आपको मिल गए, बस इसी को आपको लिख देना है, यही इसका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल है। अगर आप इसमें दूसरे नंबर का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर दूसरा आएगा, लेकिन गलत नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। अगर हम लोग इसमें 7, 7 से मल्टीप्लाई करते हैं ना ऊपर नीचे, तो फिर वही हमारा -6/7, -5/7 इस तरीके से नंबर आता है। समझ में आ रहा है बात। लेकिन आंसर कभी भी गलत नहीं होगा, क्योंकि दो नंबर के बीच में ना करोड़ों नंबर रहते हैं, एक दो भी नहीं बहुत सारे नंबर, यानी कि जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, इतने एकदम एक तरह से इन्फिनिटली जो नंबर होता है ना, इन्फिनाइट नंबर, वो आपको दो नंबर के बीच में मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कुछ नंबर्स लिख लिए। इसके अलावा भी अगर आप एग्जाम में मान लो आपको याद नहीं है कि मुझे 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो याद तो इसे करना ही नहीं, मैंने आपको समझा दिया ना कि आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट का आंसर। सेकेंड वाला सॉल्व कर लेते हैं। सेकेंड वाला भी सेम ही क्वेश्चन है, यहाँ पर हमको दिया हुआ है -2 and -1। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, 2 और 1 को हम जानते हैं माइनस टू है, यानी कि -2/1 है ये, नीचे में एक 1 छुपा हुआ है, फिर कम से कम आपको क्या करना है 6 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर हम लोग ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज यहाँ पर हमको 5 रेशनल नंबर पता करना है। तो ये हो गया, तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, 2, 6, 12 आ जाएगा ऊपर में, ठीक है, और माइनस में आएगा क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, और नीचे में 6 आ जाएगा। एंड करके इधर वाला -1 का फाइंड कर लेते हैं, तो -1 के नीचे भी एक 1 छुपा हुआ है, तो ऊपर में इसका भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा हमारा -6 और नीचे में 6। अब 12/6 और 6/6 के बीच में आपको नंबर्स फाइंड करने हैं, तो आइए मैं फाइंड कर लेता हूँ। तो देखो 12/6 लिख लिया हमने, उससे पहले क्या आएगा 11/6 आएगा, फिर 10/6 आएगा, सब माइनस में आएगा ना, माइनस में नहीं बोल रहा बार बार, फिर ये -9/6 आएगा, 8/6 आएगा, ठीक है, 7/6 आएगा, कितने हो गए 1, 2, 3, 4, 5, तो ऐसे ही हो गए, और उसके बाद फिर ये बजी हमारा 6/6, इसको उतार दो। तो यानी कि हमारा -2 और 1 के बीच में ये रैशनल नंबर्स हमको मिल गया। आप लास्ट में स्टेटमेंट बना करके अच्छे से लिख देना कि रैशनल नंबर्स बिटवीन -2 and -1, फिर इक्वल करके ये नंबर्स को उतार देना। मैं बस आधे शॉर्ट में बता दे रहा हूँ ताकि हमारा वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो। अब आ जाते हैं कि अगर पहले से हमें फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया हो और डिनोमिनेटर अगर अलग अलग हो तब कैसे करें। जैसे देखो यहाँ पर हमारे पास -4/5 है, और क्या दिया हुआ है थर्ड नंबर में, तो -2/3 दिया हुआ है। अब तो यहाँ पे डिनोमिनेटर अलग अलग हो गया, अगर मैं यहाँ पर 6, 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये तो 30 बन जाएगा और ये 18 बन जाएगा, तो हमारा डिनोमिनेटर अलग हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर अलग नहीं लाना, हमको डिनोमिनेटर सेम ही रखना है। अगर डिनोमिनेटर अलग आ जाए ना तो फिर आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, और हाँ ये भी ध्यान रखना कि ये जो आंसर्स मैं ला रहा हूँ, हो सकता है आपके बुक में ये आंसर्स ना दिया हो। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आप जितने नंबर से मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर उसी तरीके से वेरी करता जाएगा, यानी कि अलग अलग आंसर आता जाएगा। अब आप इसमें क्या करना ये समझो। तो यहाँ पर हमारा 5 और 3 आ गया, तो कुछ ऐसा हमको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है नंबर से जिससे क्या हो जाए ना कि दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो तो सेम आ जाए। समझ में आया बात। तो जैसे अब हम लोग दिमाग लगाएंगे कि ऐसा कौन सा टेबल है, यानी कि हम लोग टेबल पढ़ेंगे, अब दिमाग लगाएंगे कि ऐसा कौन सा नंबर है जो 5 के टेबल में भी आ जाए और 3 के टेबल में भी आ जाए। तो सबसे छोटा नंबर तो हमको 15 मिलेगा, जो कि इन दोनों का एलसीएम होता है। ठीक, तो अगर मैं 15 बनाऊंगा तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर हम लोग ना देखो 5 रेशनल नंबर पता करना है ना, तो कम से कम मैंने बताया ना 6 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा हमको डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर दोनों में। तो यहाँ पर अगर मैं क्या बोलते हैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा 15 बनाने के लिए, तो हमको 5 रेशनल नंबर नहीं मिलने वाले, तो उसको तो 15 को छोड़ दो। 15 से आगे चलो तो और कौन सा नंबर है जो इन दोनों के टेबल में आता है, तो 30 जो है दोनों के टेबल में आता है। तो यहाँ पर भी मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँगा और यहाँ पर भी मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो एक बार चेक कर लेते हैं कि आता है कि नहीं आता। लेकिन हाँ, अब यहाँ पर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँगा और इसको 30 बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, 10 से मल्टीप्लाई करूँगा, ये ध्यान रखना। जरूरी नहीं ना, बस ये जरूरी है कि यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर का मल्टीप्लाई हो। तो जैसे ये हो जाएगा हमारा 4 का 6 से मल्टीप्लाई, नीचे 5 का 6 से मल्टीप्लाई, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 4, 6 जा 24 और नीचे में आ जाएगा 5, 6 जा 30। इधर वाला देख लेते हैं, एंड करके -2/ में हमारे पास कितना है 3 है, तो ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई करूँगा मैं, नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई करूँगा, बिकॉज हमको क्या करना है डिनोमिनेटर सेम रखना है। अगर इधर हमने 30 लाया है तो इधर भी हमको 30 ही लाना है, तो ये हो जाएगा हमारा -20 ऊपर में और 30 नीचे में। अब लेकिन हम लोग देखते हैं कि अरे यार, यहाँ तो हमारा ये 5 रेशनल नंबर मिलेगा ही नहीं, क्योंकि -24 है और इधर -20 है, तो एक माइनस हमारा कौन सा मिलेगा, 21, 22 और 23, तीन ही नंबर मिले, गलत हो गया। तो इसीलिए मैंने बताया कि पहले आपको इसको रफली थोड़ा सा दिमाग लगा लेना है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं, यानी कि 30 से तो काम बना नहीं, डिनोमिनेटर को हमने 30 किया तो काम नहीं बना। तो अब आप इसको ये वाला काम को रफ में करना, ये चेक अगर कर रहे हो तो, अगर आप श्योर हो कि हमको 5 रेशनल नंबर मिल जाएगा तभी करना, माइंड में आपको पता चल जाएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे ना इस टाइप से क्वेश्चंस को, तो आपको खुद ही कुछ समझ में आ जाएगा कि हमको 5 मिलने वाले हैं कि नहीं मिलने वाले। ठीक है, तो अब हम लोग आगे चलते हैं। तो 30 के बाद कौन सा नंबर है जो दोनों टेबल मिलेगा हमको, तो 45 मिल जाएगा, क्योंकि 30 और 15
दोनों आते हैं तो 30 और 15 का जो सम निकलेगा 45, वो भी इन दोनों के टेबल में आ जाएगा। 5 नाइन जब 45 होता है और 3 का टेबल भी हम लोग अगर 15 टाइम पढ़ेंगे तो 15 3 जब 45 तो 3 15 जब भी 45 हो जाएगा। तो अब हम लोग वो अलग करते हैं यानी कि इसको 45 बनाएंगे। तो माइनस 4 है, नीचे में 5 है, 45 बनाने के लिए 9 से मल्टीप्लाई करना है नीचे, तो ऊपर भी 9 से करेंगे। 4 9 जब हमारा 36 हो गया माइनस में, नीचे में आ गया 45। एंड करके इधर वाला फाइंड कर लेते हैं तो माइनस 2 है, नीचे में हमारे पास 3 है, तो हमको 45 बनाना है तो 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर आ जाएगा हमारा माइनस 30 और नीचे आ जाएगा हमारा 45। अब लेकिन हमारा यहाँ पर आंसर आ गया क्योंकि 30 है यहाँ, 36 है, तो 31 32 33 और 34 35 ये 5 नंबर हमको मिल गए। तो यहाँ पर आप लिखोगे, पहले तो इसको मैं लिख देता हूँ इस तरीके से कि माइनस 36 बाई 45 है, तो इससे पहले हमारा कौन सा आएगा, माइनस 35 बाई 45, ठीक है, माइनस 34 बाई 45, फिर माइनस 33 बाई 45, ठीक, फिर माइनस 32 बाई 45, 31 बाई 45, ठीक है, माइनस में रहेगा और लास्ट में हमारा माइनस 30 जो कि नंबर ही है। ये ध्यान रखना ना कि ये जो है ना हमारा ये किसका वैल्यू है, ये माइनस 4 बाई 5 की वैल्यू है, एक तरह से आप कह लो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म है, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। उसी तरीके से माइनस 2 बाई 3 का वैल्यू जो है ये हमारा माइनस 30 बाई 45 है। समझ में आ रहा है बात। तो ये जो होंगे पांच इसके बीच के रैशनल नंबर होंगे। लास्ट में आप उसी तरीके से लिख दो कि 5 रैशनल नंबर बिटवीन माइनस 4 एंड माइनस 4 बाई 5 एंड माइनस 2 बाई 3 इक्वल करके ये पांचों नंबर को उतार दो, कंप्लीट हो जाएगा। और अगर फेयर में बना रहे हो तो ये वाला स्टेप को मत लिखना, यानी कि आपको पहले से आपको पता लगा लेना है कि पाँच नंबर किस में मिलेंगे हमको, अगर 30 बनाएंगे तब मिलेंगे या 45 बनाएंगे डिनोमिनेटर को तब मिलेंगे, ठीक है। तो ये वाला आप काम रफ में करोगे अगर पता लगाना है तो। चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ नंबर का, जल्दी से उसे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारा फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है। अब मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक क्या है कि जैसे कि मान लो आपके पास एग्जाम में टाइम नहीं है, आप दिमाग नहीं लगा सकते कि अब मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, इससे करूँगा तो इतना आएगा, फिर इससे करूँगा तो इतना आएगा, तो सबसे पहला काम आप क्या करो पता है कि आप नंबर देखने के बाद ना ये दिमाग लगाओ, जब छोटा सा तो दिमाग देखो, दिमाग तो लगाना पड़ेगा, मैथ है, ये नहीं कर रहा मैं कि दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, बस ट्रिक यही है आपका कि आप बड़े से बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, यानी इसको इतना बड़ा बना दो ताकि क्या हो जाए ना कि आपको 5 रैशनल नंबर बीच में मिल ही जाए। अगर छोटे से स्टार्ट करोगे तो आपको चेक करना पड़ेगा कि अरे यार अभी 3 ही रैशनल नंबर मिले, जैसे मेरा अभी हुआ था ना, या फिर अभी 2 ही रैशनल नंबर मिले। तो छोटे से स्टार्ट मत करो, सबसे पहले सोचो कि बड़े से बड़े नंबर में इसको कितना बना सकता हूँ, जैसे कि ऐसा कौन सा टेबल नंबर है जो 2 का टेबल में भी आ जाए और 3 का टेबल में भी आ जाए। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर हम लोग देखें तो कौन सा है भाई, 2 का टेबल में अगर मैं कितना आता है मेरा 24 आता है, 3 का टेबल में भी 24 आता है, ठीक है, आता है ना दोनों के टेबल में 24, कितने से मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा, तो इसमें अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई करूँ तब 24 आएगा, इसमें मैं 8 से मल्टीप्लाई करूँ तब 24 आएगा, तो यहाँ 12 आ जाएगा और 8 टू जाइए हो जाएगा हमारा 16, तो 12 16 नहीं हो रहा है, 24 से और बड़ा चलना पड़ेगा हमको। तो 2 का टेबल में भी 30 आता है, 3 का टेबल में 30 आता है, ये तो बनना ही चाहिए मेरे हिसाब से, देख लेते हैं अभी। तो ये हमारा 1 बाई 2 है, 30 बनाने के लिए हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी हम 15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 15 बाई में 30। अब इधर वाला देखते हैं, इधर हो जाए भाई बेइज्जती मत करवा देना मेरा, ये हो जाएगा हमारा 2 बाई 3 है ना, फिर मल्टीप्लाई हम यहाँ पर 10 से करेंगे और ऊपर भी 10 से करेंगे। ओहो नहीं आया, ना 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 नहीं आएगा, ये हो जाएगा हमारा 20 बाई में 30 और बड़ा जाना पड़ेगा। तो देखो 15 है 20, ये तो 4 ही रैशनल नंबर होंगे, 16 17 18 और 19, 20 तो पहले से आ गया तो 4 ही रैशनल नंबर हुए, थोड़ा सा मेरा बेइज्जती हो गया, पर कोई बात कोई बात नहीं है, दोबारा से ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर हमारा 30 था, उससे बड़ा चलते हैं, कौन सा नंबर ले लेते हैं हम लोग, 36 ले लेते हैं, 36 भी दोनों में आ जाएगा, 33 तो देखो 3 के टेबल में अब अगला नंबर 33 आएगा, लेकिन वो इसके टेबल में नहीं आएगा है ना, 2 के टेबल में, तो हम लोग क्या करेंगे कि 36 ले लेते हैं। तो 1 के टेबल में हम लोग 16 से 36 लाने के 18 से करना पड़ेगा ना नीचे में, तो 1 के टेबल का 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 2 का भी 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो नीचे हमारा 36 आ जाएगा और ऊपर में 18 आ जाएगा। उसी तरीके से अब यहाँ पर हमारे पास कितना था, 2 बाई 3 था, तो इसको भी 36 बनाना है, तो यहाँ पर हमारे पास 12 टाइम टेबल पढ़ेंगे 3 का तब 36 बनेगा, ऊपर भी 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ऊपर आ गया 24, नीचे आ गया हमारा 36। अब हमको यहाँ पर 5 रैशनल नंबर देखो मिल गया आराम से, तो हमने बड़ा से स्टार्ट किया इसीलिए एक ही बार में मिल गया, अगर मैं भी छोटा से करता ना कि 2 का टेबल में भी 6 आता है, 3 का टेबल में भी 6 आता है, तो बड़ा टाइम लग जाता उसमें, ठीक है। तो बड़े से बड़े नंबर से आप स्टार्ट करना जो भी दिमाग में आ जाए, मेरे दिमाग में देखो 30 आया था फिर भी मेरा थोड़ा सा दिमाग छोटा ही पड़ गया, तो आप उससे भी बड़ा नंबर ले लेना, 36 ले लेना डायरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हम, और इससे भी आप ज़्यादा ले सकते हो, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आप छोटा नंबर नहीं ले सकते, आप बड़ा नंबर ले सकते, इसे तो 60 बना दो डायरेक्ट एकदम, 2 का टेबल में भी 60 आता है 30 टाइम में, 3 का टेबल में भी 20 टाइम में 60 आता है, एक ही बार में आपके आंसर आ जाएगा। सुन यार बात ना, तो जितना बड़ा ले सकते हो उतना बड़ा ले लो। तो यहाँ पर अब हम लोग जल्दी से इसका लिख लेते हैं कि 18 बाई 36 है ना, उसके बाद आएगा हमारा 19 बाई 36, 20 बाई 36,
21/36, 22/36, ठीक है, 23/36, और ये तो हमारा 24 पहले से दिया हुआ है, 24/36। तो ये देखो 1, 2, 3, 4, 5, ये पांच हमारे रैशनल नंबर हो गए। बस इसी को लिख देना कि रैशनल फाइव रैशनल नंबर बिटवीन 1/2 and 2/3 आर ये खत्म, कंप्लीट हो गया आंसर। और मैं जैसे आपको फिर बता देता हूँ कि आप बड़े से बड़ा नंबर लेना, जैसे कि 60 ले लेना डायरेक्ट एक ही बार में, 2 के टेबल में 60 आ गया, 3 के टेबल में 60 आ गया, आपका काम एक ही बार में कंप्लीट हो जाएगा। वो एक छोटा सा आप ट्रिक समझ लो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये वीडियो होता है कंप्लीट, थोड़ा सा ज़्यादा लेंथी होगा बिकॉज मैंने आपको इसको इंट्रो भी समझाया और कई ट्रिक्स भी बताया, उससे डिटेल में समझा दिया मेन, ठीक। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, उसे भी हम अच्छे से इसी तरीके से समझेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।